जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत, तबीयत ठीक है और सुनाएं सब ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो जी लाहौर में आज जो है आखिरी दिन है, तो बाजारों में मुल्तान की तरफ इंशाल्लाह खैर से मुल्तान पहुँच जाऊँ। कज़न भी सारे वेट कर रहे हैं वहाँ पर। तो लाहौर में तो धुंध भी बहुत, इस्लामाबाद का बहुत अच्छा मौसम था यार, इस्लामाबाद का बहुत टाइट मौसम था, बड़ा मज़ा उठाया वहाँ पर हमने। यहाँ पर धुंध घर सर की गए भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, बस वही मून भाई से मिले, उसका भी ब्लॉग मैंने डाला, आपको मैंने देखा कि नहीं पता नहीं। तो बस एक ही दिन सिर्फ अच्छा मौसम था, बाकी अभी भी देखें फोग हो रही है, बाकी पता नहीं मोटरवे खुला है कि नहीं खुला है, क्योंकि यहाँ से मोटरवे का ही सारा सफ़र है। तो बस ये है कि नाश्ता वगैरह भी कर लिया, तैयार भी हो गया और बस चलते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे उधर हाल वाल करेंगे, उधर अच्छा व्लॉग इंशाल्लाह बनाएंगे। A few moments later, मैंने यही कहा था कि भाई बंद हो जाएगा मोटरवे, बहुत ज़्यादा धुंध है, मोटरवे बंद है भाई, खड़े हैं रास्ते में, बहुत ज़्यादा हैवी फॉग है यार कसम से। फॉग की वजह से तो ऐसा हालात ख़राब हो जाते हैं ना, इंसान अकेले का रहता है ना कहीं जाने का। बस अभी खड़े इंतज़ार में, देखो अभी कब जो है मोटरवे खुलते हैं फिर जाएंगे यार। तो भाई मोटरवे तो घर तरह बंद था उस टाइम भी, आपको बताया बस जीटी रोड से रवानगी पकड़ी है। खैर सिस्टम एक बहुत प्यारी जगह पर खड़ा हूँ, बहुत प्यारी जगह है, व्यू भी आपको दिखाता हूँ, सारा पानी है भाई, बहुत बड़ा डैम है, बहुत बड़ा दरिया है। तो गाड़ी भी खड़ी की हम देर आता हूँ, बात कर यहाँ की सवाल है भाई, नहीं खाई तो कुछ भी नहीं खाया आपने। बस अभी जा रहा हूँ गाड़ी के, आहिस्ता 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 जा रहा, रश का बहुत ज़्यादा है यार। आपको ज़रा व्यू भी चेक कराते हैं यहाँ का, देखें भाई इश्के देखें ज़रा। यार बहुत धुंध है कसम से, बहुत ज़्यादा धुंध है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, घर से कुछ नज़र नहीं आ रहा, ऐसा हाल है यहाँ पर। मोटरवे से जो है आप समझे कि 4 घंटे लगते जाने में, और जीटी रोड बहुत लंबा सफ़र है यार, बहुत लंबा सफ़र है, ऐसे समझे कि 6 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं तकरीबन, ज़्यादा से ज़्यादा। बस ये मेरी है चाचा जी से मिली भाई, ये तो यहाँ की सौगात है, सौगात है यहाँ की, तो ये बस रहा, ये नहीं खाया तो फिर कुछ नहीं खाया भाई, ताज़े हैं हमारे कोयटा में तरह से बासी चीज़ मिलती है। इधर भी आपको दिखाते हैं भाई ज़रा, ये चेक करें, ऐसे जागे पानी के ऊपर, मतलब इतनी बहुत जागे कि मतलब किसी ने शैम्पू डाला हुआ है। बड़े सख्त अमरूद हैं यार कसम से, दान दिला के रख दिया, वहाँ पर फिर नरम मिलते हैं, यहाँ पर सख्त मिलते हैं। भाई जान बैठे हैं सामने, मच्छी पकड़ रहे हैं अपना, दोपहर के खाने का इंतजाम कर रहे हैं, तो बस ये कि नज़ारे कर रहे हैं, बड़े सारी जगह आ रहे हैं, कुदरत के नज़ारे हैं भाई, क्या कर सकते हैं, यही तो देखने के लिए बनाए। पहुँच गया हूँ अभी तकरीबन चीचा वतनी, यहाँ पर एक पंप पे रुका हूँ, बहुत ज़बरदस्त जगह है, रोटी वगैरह खाई नहीं, खैर चाय मंगवाई है, भैया भी पड़ी है, ब्लॉग अपलोड हो रहा है भैया, ब्लॉग के लिए मरी का अपलोड कर रहा हूँ, ब्लॉग एडिट किया हुआ था तो बस से किसी वजह से लेट हो गया, बस आप लाजमी देखना ये ब्लॉग। और तो मुल्तान का थोड़ा सफ़र रह गया तकरीबन 2 घंटे का, बस अभी बैठा हूँ, सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, सर में बहुत दर्द होता है, ठंड में सर पे लग जाए एकदम से दर्द शुरू हो जाता है,
कज़न का भी फ़ोन आया, कहते कहाँ रह गए कहाँ रह गए। तो खैर से चले वहाँ जाते हैं पहुँचते हैं, इन शाला फ्री हाल होगा। खैर से जो है मैं मुल्तान पहुंच गया था, तो दुम ने जो है बहुत ख्वार किया साहबा, जो बताऊँ 4 घंटे का सफ़र 8 घंटों में पूरा किया। तो चलो खैर पहुंच गया खैर से, तो बस रोटी वगैरह उस टाइम की खाई भी थी, फिर भूख लगी, मैं निकल आते कितनी चलते सूप वगैरह पीने के लिए। तो मेरे साथ कोई भी कज़न है चमन वाला, जिसमें ना को मिलवाया था एहसन, दोबारा मिलने आओ। दोस्तों क्या हाल है आपका, सब ठीक ठाक हो खैर से? जब से भाई जैन आया मुल्तान मेरे पास, मैं तो जैन से पहले मुल्तान आया हुआ था, अभी हम बैठे हुए कैंट में, इरम सूप है ये, बहुत मेयारी सूप है। तकरीबन मैं तो तकरीबन है समझे कि भाई सूप सूप है, मैं बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ, इसका जो जायका ना मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मुझे नहीं लगा ऐसा जायका। सही बोल रहा है वाला, ये मुल्तान में बहुत मशहूर सूप है इरम सूप के नाम से, ये छोटे छोटे बाउल में देखते हैं लेकिन सूप टॉप है इसका। तो बस खैर से सूप वगैरह पीने, फिर कोई प्लान करते हैं किधर चलते हैं या कुछ करते हैं, क्योंकि मुल्तान में खामखा कर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन इधर ही हूँ, फिर कोयटा सीधा, थके वही बस है यार, फिर और का प्लान बनाएंगे जा रही। तो जी वहाँ सूप वगैरह पी के और क्रीम चाट वगैरह खा के फिर घर चला गया था। फिर उसके बाद जो है बड़ा आजमा जल्दी भी है, आप जल्दी हो जाते साहब आगे मैं बताऊँ। तो अभी जो है तकरीबन रात के कोई 11:30 बज रहे हैं, 11:30 हो रहे हैं, तो बस रोटी वगैरह खाने के लिए भी जो है हम लोग आए हैं। तो खैर से यहाँ पर ये चावल वगैरह मंगवाए हैं, और बाकी जो है ये मेरे साथ जो है एक और भाई वो पुराने मुल्तान वाले चुप करके बैठ, जिन्नी तेरी कात है उठे रह। तो ये एक और भाई भी हैं असद भाई चमन से, तो ये भी जो है मुल्तान ज़रा टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं, ये तो है ही है साथ हमारे। तो बस खाना वगैरह खाते हैं इंशाल्लाह, फिर चलते हैं डीएचए का प्रोग्राम है वहाँ पर चलते हैं, तो वहाँ का भी देखते हैं नहीं खुला है कि बंद हो गया, सर्दी की रातें हैं भाई, लोग जल्दी सो जाओ, चेक करो पुलाव खा। तो जी जैसे कि आपको बताया मैं जा रहा था डीएचए, तो डीएचए थोड़ा सा ही दूर था कि इतनी कोई फोक शुरू होगी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा फोक थी, तो बस वहीं से टर्न लिया और वापस आ गया। अभी जो है ख़ास कैंट में हूँ, तो कैंट भी सारा सुनसान हो गया, मुल्तान तो आपको वैसे ही पता है, पिछले व्लॉग में जो है जैसे कि मैंने कहा था कि अभी मुल्तान में ख़ास कर कुछ भी नहीं, सारी रात को जल्दी सो जाते हैं सारे, तो बस अभी कैंट में हूँ, तो यहाँ तो खैर कुछ भी नहीं है, फोक का नामो निशान भी नहीं है, तो बस अभी चलते हैं अपने होटल की तरफ, काफी टाइम हो गया, अच्छा जी सारे थक गए हैं पीछे बैठे, अच्छा जी बस एक ग्लास सीखा हुआ है परावाड़ परावाड़ उसके पीछे लगा हुआ है, तो चलो चलते हैं बस फिर होटल जाके फिर हाल वाल करते हैं। भाई जैसा कि आपको बताया था कि कैंट वगैरह सारा फिर फूर के फारिग कर दिया था भाई, तो बस ये था कि अगले दिन भी गुजार लिया, आज लास्ट नाइट समझे। ये रोने पे आया मरना है क्या, तो जो है बस तो कुछ देर बाद इंशाल्लाह थोड़ी देर तक निकल जाऊंगा कोयटा के लिए, अभी टाइम है 1-2-3-4 घंटे के बाद,
तो बस ये है कि ब्लॉग के लिए एंड करता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा यार, क्या करें, फिर मिलेंगे बस ठीक है, रो नहीं ज्यादा, फिर मिलेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ब्लॉग पे एंड करता हूँ मैं, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।